हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। आज मैं फुलदा के पास एक विलेज है, छोटा सा गांव है, तो मैं वहां पर आया हूं अभी और इसका नाम है ग्लेजर सेल। तो आप एक्सप्लोर करेंगे और मैं यहां पे साइकिल पे आया हूं अराउंड 7-8 किलोमीटर दूर, और यहां पे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं। सो मैं आपको अभी अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। एक मुनीर जो कि बांग्लादेश से है और वे साथ में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे होकशुल। हाय मुनीर, हाउ आर यू डूइंग? How are you feeling here in Fulda? Oh, it's awesome place. It's nice, and you can see the landscape. A really nice landscape. Yeah. And how long have you been here in Germany? I'm here last October 2019. Okay, great. And what are you studying? I'm studying international health science, bachelor. Okay. Did you also study in Dhaka back? Yes, I have completed my bachelor degree in BSc in dentistry. Then I come here. So I heard that, you know, it is very difficult to find a job in small cities. Is it really like with you? No. If you know some German, then it's really easy to find some job. And I am doing job in a dental clinic as a dental assistant. As earlier I said, then I would like to study in Japan University to study. How do you find your job? It's simple. Just you have to go to the dental clinic or anywhere you would like to job, then you should ask for a job, and if it gives you CV, then it's easy to find a job here. Yeah, and I can also see your sathi, you know, like your bike. You also have a like bicycle here, yeah, in the background. This is my little friend. Yeah. And in Germany, this is really, really a little friend. Mm-hmm. And if you come here to study in Germany, you'll have a bicycle, I'm sure. Yeah. And finally, I'd like to some word for this channel. So this is Ramandeep, and please subscribe this channel. This is also such a guy from India. I've never met like this guy. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, आप यहाँ पे दूरी पे लकड़े देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोग अभी भी पुराने टाइम की तरह, जब यहाँ पे ठंड होती है तो उस टाइम पे लकड़ जला के अपने घर में आग लगाते हैं ताकि उससे गर्मी पैदा हो। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ये लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब नेचर फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं और बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है। बिल्कुल शांति हो चुकी है यहाँ पे, हालांकि मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्योंकि 8 बज चुके हैं यहाँ पे। लोग जो है आराम से अराउंड 7 बजे तक सो भी जाते हैं, 7-7.5 बजे तक डिनर हो जाता है। और यहाँ पे ये चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है। दिल्ली में तो, इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि वहाँ पे वो लाइफ जो है वो दूसरे टाइप की है। वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं है, तो इस वजह से बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर।